वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहा है शाही आलू छोले। शाही आलू छोले के लिए मैंने काजू ली है। काजू को पानी में भिगा दिया है। काजू आप कम ज़्यादा ले कर सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से आप ले लीजिए। कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ टमाटर है, ये बॉइल किया हुआ आलू है। एक आलू के मैंने 8 पीस कट किए हैं। ये डॉलर चना है। चने को मैंने 2-3 घंटे पानी में भिगा दिया था, उसके बाद इसे हल्का सा नमक और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया है। एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक है, पिसा हुआ मटन मसाला और एक बड़ा प्याज है। इस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए और इसे पानी डालकर गीला कर लेंगे। ये प्याज को हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको हमने 1 मिनट फ्राई करके निकाल लेना है। अब हम इसमें लहसुन अदरक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ये प्याज को जो हमने हल्का सा फ्राई किया था, फ्राई करके प्याज को पीस लिया है। अब हम इस प्याज को लहसुन अदरक के साथ में फ्राई कर लेंगे और ये मिर्ची डाल देंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल छूटना शुरू हो गया है। अब हम इसमें बारीक टमाटर फ्राई करेंगे। टमाटर को गलने तक फ्राई करेंगे। टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे और चने भी डाल देंगे। आलू चना अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें 2 चम्मच खोपरा बूरा मिक्स करेंगे। अब इसमें काजू मिक्स कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये हमारे शाही आलू छोले कंप्लीट है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे डिश आउट करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे शाही आलू छोले कंप्लीट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट से करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।